जहां एक तरफ 72 घंटे में हलचल मची हुई है पाकिस्तान के अंदर और क्या कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से आखिरकार भारत ने क्या डील की है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इस समय ये तस्वीरें पूरा तहलका मचा रही हैं, क्योंकि ये है जिसे कहते हैं प्रकृति का कहर। ये कहर पाकिस्तान के ऊपर टूट रहा है, बाढ़ से हालात खराब हैं और इतना ज्यादा खराब है कि हर जगह पानी पहुंच चुका है। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, सब जगह पानी पहुंच चुका है और इसके लिए अब लोकल पुलिस या आर्मी मदद नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान अपने हेलीकॉप्टर्स उतारने के लिए मजबूर हो चुका है। पर इन सब के बीच बीते 72 घंटों में जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर चीजें निकल कर आई है, उससे पता चलता है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की हालात आर्थिक तौर पर तो खराब होते ही जा रहे हैं, राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है। पाकिस्तान का जो ये प्रमुख प्रांत है, सबसे मेन, इसे कहते हैं पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत में अगर सब कुछ ठीक नहीं चलेगा तो आप समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। अब हुआ ये कि यहाँ पर राजनीतिक खेल और उठापटक बहुत ज्यादा चल रहा है। 27 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के नेता परवेज इलाही को बनाया गया मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे एक दिन पहले पीएम शहबाज के बेटे हमजा शरीफ को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। हालांकि जरदारी ने एक बड़ा खेल खेला था और खेल खेल के किसी तरीके से हमजा को कुर्सी पर बने रहने के लिए पूरा शतरंज का मोहरा फिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसका तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट करके यहाँ पर नए सीएम को बिठा दिया। ये जो सीएम है परवेज इलाही, इसको इमरान खान की पार्टी का समर्थन है। अब पाकिस्तान का गृह मंत्री ये कह रहा है कि अगर उसे पंजाब में घुसने नहीं दिया गया तो पंजाब में हम लगा देंगे गवर्नर शासन, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति शासन होता है वैसे ही। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे आपने हमें एंट्री नहीं लेने दिया और हमें अपने तरीके से काम नहीं करने दिया तो फिर हम यहाँ पर लगा देंगे गवर्नर शासन। और अभी बात करें पाकिस्तानी रुपए की, तो इस एक डॉलर की कीमत 250 पाकिस्तानी रुपए के पास पहुंच चुका है। आईएमएफ से बहुत बुरा हाल है, और जो इमरान खान ने सब्सिडी सहित रेवड़ियां बांटी थी उन रेवड़ियों को अब बंद कर दिया है, तो आम जनता भी गुस्से में है क्योंकि रेवड़ियां खाने की आदत लगी हुई है। इन सब के बीच में अब ये 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। पंजाब अगर स्थिर नहीं होता है तो समझ लीजिए आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल रखा हुआ है, क्योंकि पंजाब इधर अस्थिर हुआ तो उधर टीटीपी के हमले और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। खैर, अब देखना होगा कि बाजवा इन सब चीजों से कैसे निपटता है, क्योंकि मुसीबत एक तरफ से नहीं कई तरफ से है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अलग खबर निकल कर आई है, और ये खबर है रूस यूक्रेन की डील का। वैसे आपको बता और ये खबर है भारत और यूक्रेन की डील का। वैसे आपको बता दें रूस और भारत के बीच में एक बार फिर से नए समझौते हुए हैं, और इस समझौते के तहत भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के लिए रूस तैयार हो चुका है। वैसे पहले भी भारत को सपोर्ट मिलता रहा है और रूस ने इस बात को साफ किया है कि यूएनएससी हो या दुनिया के कोई भी मंच हो, उन मंच में हम आपको मदद करेंगे, आपके साथ समर्थन में खड़े होंगे। अब ये दोनों का पारस्परिक मुद्दा है, दोनों ही अब एक दूसरे के समर्थन में यूएनएससी जैसी संस्थाओं में खड़े दिखेंगे, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमें जितना हो सकेगा हम सहयोग देंगे। वैसे भारत की बात करें तो राजनीतिक मंचों में भारत
रूस के खिलाफ वोटिंग न करके समर्थन दे चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से खुलेआम तौर पर चीन आता है, उस तरीके से भारत नहीं आता है। भारत अपने गुट निरपेक्ष वाले रवैये को बनाकर ही आता है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है अमेरिका और रूस के बीच में। पर इन दिनों यूक्रेन भारत से बहुत नाराज है। यूक्रेन को ऐसा लगता है कि भारत जो मदद कर सकता था, भारत ने वो मदद नहीं किया। यूक्रेन और यूरोपीय देशों और नाटो और अमेरिका, इन सब की बातों में ना आकर भारत ने अपना ही रवैया, अपनी विदेश नीति फॉलो की, जिसको लेकर जहां रूस खुश है तो वहीं यूक्रेन नाराज है। और यूक्रेन ने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी, 3 भारतीयों को ब्लैकलिस्ट करके। वैसे ये संख्या कहा जा रहा है अभी और बढ़ेंगी, कई भारतीयों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा यूक्रेन के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में प्रो रशियन लोगों की कमी नहीं है। भारत में प्रो रशियन कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसे ये माना जा रहा है कि यूक्रेन खास तौर पर ये मान रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा, रशियन प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भारत के लोग कर रहे हैं। तो भारत के ऊपर तो गुस्सा देखने को मिलेगा। पर इन सब के बीच में रूस यूक्रेन की एक डील हुई जो यूएन की अध्यक्षता में हुई। इस अध्यक्षता में ये कहा गया कि ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के सारे पोर्ट को कर दिया बंद। अब यहाँ से यूक्रेन के अनाज बिक ही नहीं रहे थे, यूक्रेन के अनाज नहीं बिक रहे थे, जा भी नहीं पा रहे थे, निकल भी नहीं पा रहे थे। तो दुनिया में एक क्राइसिस सी खड़ी होने लगी और ये फूड क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। दुनिया के अंदर एक दबाव भी बनने लगा कि किसी तरीके से इस फूड क्राइसिस को रोको। यूएन बीच में आया और यूएन ने रूस यूक्रेन के बीच एक समझौता करा दिया और इस डील के तहत कहा कि ठीक है, आप ब्लैक सी कॉरिडोर को खोल दो ताकि यहाँ से हर रोज जो अनाज निकलते हैं, दुनिया को बेचे जाते हैं, वो बेचना संभव हो सके। अब इस कॉरिडोर के खुलने के बाद दुनिया से कई तरह के ऑर्डर भी आ रहे हैं यूक्रेन को। वैसे आपको बता दें, हमने भी इस युद्ध के शुरू होने से पहले ऑर्डर दिया था यूक्रेन को। ऐसा नहीं है यूक्रेन के साथ हमारा व्यापार नहीं चलता था या नहीं चलता है, पर अभी युद्ध की वजह से भले रुका हुआ है, पर यूक्रेन के साथ एक समय भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता था। भारत वहां से सनफ्लावर खरीदता था और भी कई चीजें, खास तौर पर जो डिफेंस के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें खरीदी जाती थी। अब एक बार फिर भारत ने कथित तौर पर बड़ी डील सनफ्लावर ऑयल की है। कहा जा रहा है कि भारत 50,000 से 60,000 टन सनफ्लावर खरीद रहा है यूक्रेन से। वैसे कई ऑर्डर ऐसे भी हैं जो पहले ही दिए जा चुके हैं और उन ऑर्डर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अब 5 महीने के गैप के बाद भारत सहित दुनिया के कई देशों को सनफ्लावर एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन। वैसे आपको बता दें, भारत सनफ्लावर ऑयल खरीदने में दुनिया के बड़े देशों में आता है और कहा जा रहा है अगर यूक्रेन सप्लाई भी करता है तो पहली शिपमेंट आने में सितंबर का महीना तो लग ही जाए। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।